मेरे वालिद हमेशा बड़े लॉजिकल तरीके से सोचते थे, क्योंकि हमारे इलाकों में आपने देखा होगा कि लोग कभी बटेरों को ट्रेन करते हैं, कभी रूस्टर्स को ट्रेन करते हैं, कभी कुत्तों को ट्रेन करते हैं फॉर द फाइट्स. लेकिन माय फादर थॉट दैट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम. तो जितना हम टाइम अपने बच्चों को देंगे, उतने ही बेहतरीन इंसान हम उनको बना पाएंगे. मेरे वालिद जो है काफ़ी सपोर्टिव है. उन्होंने घर में हमें ऐसी तरबियत थी कि हमें भाइयों के बराबर समझा, और वो यकीन रखते थे कि बच्चियां जो हैं बेटों से कम नहीं होती, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है. बचपन से मैं अलग तलग थी. मुझे 5 साल की उम्र में ये एहसास होना शुरू हुआ कि मेरा भाई लड़कों के साथ खेलता है, काइट फ्लाइंग करते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं, गुल्ली डंडा खेल लेते हैं, लड़के आपस में मार्बल्स खेल रहे होते हैं. सिर्फ मुझे ये महसूस हुआ अगर लड़कों को आज़ादी हासिल है तो शायद ये उनके बालों के स्टाइल की वजह से हो, शायद उनके कपड़ों की स्टाइल की वजह से हो. तो एक मासूम जहन होता है वो इंसान, बच्चे का. तो फिर मैंने एक दिन अपने सारे जितने भी लड़कियों वाले कपड़े थे वो मैंने जला दिए थे बैकयार्ड में. वी मूव टू पेशावर. हम लोग नवाकली जो है, जो स्क्वाश के लिए बहुत मशहूर है, हर बच्चा वहाँ पर ये सोचता था कि मैंने वर्ल्ड चैम्पियन बनना है. तो मेरे बाबा कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को अब ये कहूँ कि तुम लड़की हो, इस माशरे में लड़की के लिए निकलना मुश्किल है, वो भी इस एज में. मुझे कहते हैं कि चलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है पेशावर में. तो मेरे बाबा कहते हैं कि ये मेरा बेटा है चंगेज़ ख़ान, तो इसको मैंने स्पोर्ट्स कुछ करवानी है. तो कहता है ये तो स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है, तो इसको वेट लिफ्टिंग में करा देता हूँ. कल से आना शुरू कर दें, 2 बजे से 4 बजे तक हमारी ट्रेनिंग होती थी शाम को. हमारे एक डायरेक्टर थे परवेज सैयद मीर, अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. बहुत शौक था उनको स्क्वाश का, बच्चों को सुबह लेके जाना, ट्रेनिंग कराना, स्क्वाश हर चीज़ का उनको पता था कि लोग क्या, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे. बाबा के पास गई तो मैंने कहा कि बाबा मुझे तो स्क्वाश खेलनी है. खैर जब मुझे अपना बर्थ सर्टिफिकेट पेश करना पड़ा और फिर बाबा को बताना पड़ा कि ये मेरी बेटी है, परवेज साहब बड़े खुश हुए, गाड़ी में बिठाया, कहते चलो स्क्वाश कोर्ट चलते हैं. मुझसे पूछते हैं कि स्क्वाश का पता है किस तरह खेलते हैं. मैंने कहा हाँ. तो मुझे लेके गए फ्रंट में, बिल्कुल फ्रंट में लेके गए. तो कहते हैं यहाँ से छोटे छोटे जो हिटिंग होती है वहाँ से शुरू करो. कोई एक माँ से मूव करोगे, किसी को पता नहीं था, रोज़ आती थी खेलती थी लड़कों के साथ भी खेलना. वो जो सफाई वाले नहीं होते 12 बजे के बाद वो खेलते थे कोई 1 घंटा, तो उनके साथ भी खेल लेना. इतनी हार्ड हिटिंग होती थी कि पहला अंडर 13 मैच में सिर्फ सर्विस करने की वजह से जीती, सर्विस ही आता था. फिर अंडर 15 जीती, तब मुझे लड़कियों में जंगीर खान के नाम से जानते थे. बड़ी अटैकिंग एग्रेसिव गेम थी, सॉलिड. अब तक मैं चंगेज़ खान थी, अब इनको पता चला कि मैं मार गई. अखबारों में बड़ी बड़ी हाइलाइट्स, वज़ीरिस्तान से बच्ची खेल रही है, इतने टॉप पे खेल रही है, टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड के टूर्नामेंट्स जीत रही है. उसके बाद फिर फ़ोन कॉल्स रिसीव हुई तालिबान की तरफ से. बाबा को एक लेटर मिला उनके जो गाड़ी के वाइपर में, एक दफ़ा अटैक भी हुआ. उस वक्त आप पेशावर में बड़े बुरे हालात थे 2007 में, रोज़ बॉम्ब ब्लास्ट होता था रोज़. लेकिन अल्लाह ने हमेशा हमारी प्रोटेक्शन की है. खैर फिर मैंने डिसाइड किया कि ना खेलूँ. कभी जाती थी कभी नहीं जाती थी स्क्वाश कोर्ट, गाड़ी के नंबर प्लेट्स चेंज कर लेते थे. तो फिर मैंने ये सोचा कि बेहतर ये है कि मैं घर रहूँ ना खेलूँ. 3 साल तक मैं अपने रूम में खेलती रही, थोड़ा ये था कैंप चली जाती थी. फिर वर्ल्ड जूनियर की बारी आई 2009 में इंडिया में. फेडरेशन को फ़ोन किया कि मैं खेलना चाह रही हूँ. 1000 से भी ज़्यादा लड़कियाँ थी पूरी दुनिया से, टॉप टॉप प्लेयर्स आई थी जूनियर. और मैं एक कमरे से गई ट्रेनिंग की और 3rd पोजीशन में. साउथ वज़ीरिस्तान से आना स्पोर्ट्स में, मैं समझती हूँ ये एक मुआजज़ा है बज़ाते एक लड़की के लिए. हम एक करज था, एक ब्रेवरी की ट्रेनिंग हमें. जब मैंने स्क्वाश शुरू की हमारे पेशावर में, जो KPK में, कोई लड़कियाँ नहीं थी. लेकिन आज वो कोई 16-17 लड़कियाँ स्क्वाश खेल रही हैं और बाकी लड़कियाँ भी स्पोर्ट्स में आ रही हैं. तो एक होप लड़कियों में पैदा हुआ है, पेरेंट्स में, और एक रास्ता जो मैंने दिखाया है, मुझे लगता है कि अब काफ़ी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. मैं समझती हूँ कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन
जितना ज़्यादा इंट्रोड्यूस होगा, हर बच्चा खेलेगा, स्पोर्ट्स खेलेगा, एक होप उनमें ज़िंदा रहेगी कि वो भी स्क्वाश प्लेयर बन सकता है, वर्ल्ड चैम्पियन बन सकता है, टेनिस प्लेयर बन सकता है। वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहती हूँ, लेकिन सरकमस्टेंसेज ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जो फिर पीछे धकेल देते हैं। कभी इंजरी हो जाती है, कभी कुछ और इस तरह मसले हो जाते हैं, तो अल्लाह पे छोड़ दिया है। ट्रेनिंग में करती रहूँगी, अल्लाह ने चाहा तो बन जाऊँगी इंशाल्लाह। बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग ह्यूमन, जब तक हम अपने कल्चर का सही तरह से हम उसको होल्ड करेंगे प्रॉपर तरीके से, हमारे मॉरल्स और वैल्यू, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़, जब तक हम उसको पकड़े रखेंगे तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। ये मुल्क बहुत कामयाब होगा।